अक्षांश वगैरह समझा दिए था, अक्षांश के बारे में थोड़ा बहुत बताए होंगे क्योंकि उसका मेन टॉपिक किसमें है, ग्लोब में। मैप एटलास ग्लोब जब पढ़ते हैं लोग तो उसमें मेन टॉपिक। कौन सी खरीदने गई थी बकलोल, उसको छुपा के ले आओ, लोग खरीदने गई है बिस्किट कुरकुरे तो ऐसे लेके घूम रही है इसे। गांव लोग लेट से आया करिए ना तो उधर जाया कीजिए आप लोग, समझ में नहीं आता है। बहुनी उधर जाइए आप, लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आप लोग को विश्व के प्रमुख जनजाति पढ़ाना है, जनजाति के बाद सबसे खतरनाक चैप्टर आएगा पूरे भूगोल का, पूरे भूगोल का सबसे खतरनाक चैप्टर रहता है। कल्प महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प, मध्य परजीवी महाकल्प, उसी में आपका आएगा डायनासोर वगैरह, आर्कियन क्रम, धारवा क्रम, प्री कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियन, ये सुने आप लोग, मेसिजोइक, नियोजोइक, सीनोजोइक, ये सब चीजों का बड़ी टफ चैप्टर होता है, बहुत खतरनाक। और एक तो होगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये तीन को दो चैप्टर बड़ी उटपटांग रहते हैं सर। पीडीएफ आप सब लोग को लाइव वाले लोग को अपलोड कर दिया गया, पहले जनजाति को निपटाते हैं, इसके बाद से कोपेन का जलवायु विभाजन और ये कल्प वगैरह के बारे में पढ़ा देंगे। अब उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी का खत्म हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज्यादा हिस्सा आपको मैप में कवर हो जाता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाता है। ठीक है, इंडिया तो खत्म ही हो चुका, अक्षांश का पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसको वर्ल्ड मैप में पढ़ना है आप लोग को। स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख जनजाति। जनजाति उन्हें कहा जाता है जो लोग अभी भी पुराने ट्रेडिशन से जी रहे लोग। चलो बाबू, जनजाति में पहला जनजाति है आपका एस्किमो जनजाति। ये जनजाति साइबेरिया और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। साइबेरिया और कहाँ के क्षेत्र में पाई जाती है, कनाडा। ये बर्फ, ये पूरे की तरह कैसे होते हैं, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका जो रहन सहन है, इनके बहुत टफ जीवन जीते हैं, इनका टेम्परेचर -50 -60 में रहता है। अभी ये कनाडा और अलास्का के क्षेत्र में और इधर में साइबेरिया के क्षेत्र में। कौन से जनजाति वाले, एस्किमो, कौन से, एस्किमो। इनका जो घर होता है उस घर को क्या कहते हैं, इग्लू, क्या कहेंगे, इग्लू कहा जाता है, इग्लू घर होता है इन लोग का, बर्फ का होता है, ये रहा इग्लू, ये बर्फ का घर होता है, दिख रहा है इस तरह, इसी तरह बर्फ का बना देते हैं लोग, इसमें बर्फ का इसे लकड़ी उकड़ी ठोक के उसमें आप बर्फ का घर बना देते हैं लोग, घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, इग्लू, ये देख रहे हैं यह घर। इन लोग का जो रेंडियर नामक, इन लोग के पास क्या होता है, कुत्ता होता है, रेंडियर नामक क्या पाया जाता है, कुत्ता, कुत्ता जो उनको क्या करता है, उनकी गाड़ियों को खींचता है। बर्फीले गाड़ियों में इनके चक्के नहीं लगाए जाते हैं बल्कि नीचे लकड़ी लगा रहता है, जिसे स्लेट कहते हैं, क्या कहेंगे, स्लेट। स्लेट को कौन सा जानवर खींचता है, रेंडियर नामक कुत्ता, रेंडियर नामक कुत्ता, रेंडियर नामक कुत्ता खींचता है। किन जनजाति को लोगों को, एस्किमो, किसे, एस्किमो। इनके घर को क्या कहा जाता है, इग्लू। कैसा घर होता है इन लोग का, अर्धचंद्राकार। इनका घर कैसा होता है, अर्धचंद्राकार घर होता है, हिरन देता है, गुगला हिरन देता है, तो तुमको आदमी देख क्यों जवाब देता है। तो ये घर इनका कौन सा हो गया, इग्लू। अब ये ठंड हवाओं से इन्हें बचाता है इग्लू, लकड़ी उकड़ी भी लगा दिया जाता है बीच में, और इसी में रहता है, सो दुवरिया पे आग जला देता है सो यहाँ पे, ताकि गर्म गर्म हवा अंदर आए और इससे ये लोग बचे रहे। कुत्ता इनका क्या होता है, रेंडियर। जहाज के पानी वाली नाव को कहते हैं कयाल, और लकड़ी को क्या कहते हैं, स्लेट। जो इस पे गाड़ी चलती है उसे क्या कहते हैं, स्लेट। नाव की तरह होती है, नीचे वो लगा देता है लकड़ी, उसे क्या कहेंगे, स्लेट। गाड़ी को क्या कहेंगे, गाड़ी को स्लेट, नाव को कयाल, गाड़ी को स्लेट, नाव कयाल, गाड़ी, कुत्ता, कुत्ता, घर, घर, कुत्ता को रेंडियर, गाड़ी को इनके स्लेट, नाव को कयाल, नाव को कयाल, नाव को क्या कहेंगे, कयाल। ये को भाला रख ले रहता था मछली मारने के लिए, उसे हारपून कहते हैं, क्या कहेंगे, हार, भाला को हारपून, भाला, नाव, नाव, कयाल, किसी को दिक्कत नहीं। घर को, इग्लू।
ग्लेशियर वाले क्षेत्र में रहते हैं, बर्फीले क्षेत्र में इनके यहाँ का। तो इस क्षेत्र के दो कुत्ते सबसे फेमस है, रेंडियर और एक साइबेरियन हस्की। ये दो सबसे समझदार कुत्ता होता है हस्की, मर जाएगा ससुरैया गर्मी से, वो सबसे समझदार होते हैं सुसु। हम लोग के यहाँ का कुतवा इन चोटों का तो पेटे नहीं भरता है। अब इंडिया के जो होते हैं उनसे जगह पेट नहीं भरता। अब उधर तो बहुत एडवांस टाइप का सीबीएसई वाला कुत्ता पाए जाते हैं। वाइट इनके भाला को क्या कहते हैं? भाला को नाव याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नाव को क्या कहेंगे? चल, घर को इग्लू, कुत्ता को रेंडियर, कुत्ता रेंडियर कुत्ता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा कह रहा है बोरा, ब्राजील, बोरा ब्राजील, बोरा ब्राजील में, कनाडा के क्षेत्र में एस्किमो, कनाडा के क्षेत्र में बोरा, बोरा बोरा। उसके बाद लेप्स यूरोप, लेप्स लेप्स यूरोप, लेप्स बोरा, बोरा एस्किमो, एस्किमो बोरा, मसाई केनिया, मसाई केनिया, मसाई मसाई, लेप्स यूरोप, लेप्स मसाई, वाटू मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका, वाटू मध्य, वाटू वाटू, मसाई मसाई, वाटू, लेप्स एस्किमो, एस्किमो बोरा, वाटू वाटू मध्य, वाटू मसाई मसाई, बुशमैन कालाहारी, बुशमैन और एक है पिगमी कांगो, पिगमी कांग, पिगमी पिगमी जस्ट इसके नीचे ये कांगो में, कौन सा पिगमी कांगो में, पिगमी कांगो में, पिगमी कहाँ पे? वाटू वाटू मसाई, पिगमैन 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 कांगो, पिगमैन बुशमैन, बोत्सवाना बोत्सवाना बोत्सवाना, बुशमैन बुशमैन। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? काला है, तो बोत्सवाना नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? कालाहारी। बोत्सवाना नहीं रहेगा तो काला है, बोत्सवाना नहीं रहेगा तो याद रहेगा, या तो कालाहारी बोल सकते हैं नहीं तो बोत्सवाना। तो आप देशे बोलिए, बुशमैन बोत्सवाना, बुशमैन पिगमैन, पिगमैन पिगमैन पिगमैन, वाटू वाटू वाटू, मसाई मसाई, लेप्स बोरा, एस्किमो 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 याद रहेगा। अब फटाफट बताइए, वाटू बुशमैन देश बताना है, पिगमी मसाई, लेप्स युकाधीर साइबेरिया, युकाधीर साइबेरिया, युकाधीर युकाधीर साइबेरिया, रूस के इस एरिया में नहीं होती है, साइबेरिया के है, रूस के इस एरिया में। बोरा ब्राजील, बोरा बोरा, एस्किमो 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 कनाडा, युकाधीर वाटू वाटू मध्य अफ्रीका, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत है किसी को? कहीं से भी पूछेंगे बता देंगे आप लोग, लाइव वाले से सवाल पूछते हैं, लाइव वाला सब लोग बताओ, लाइव वाला नहीं सब लोग। बुशमैन किस देश में? वाटू पिगमी मसाई, लैप्स बोरा एस्किमो। अब देखो भाई,
हम लोग तो जनजाति याद कर लिए, अब एक काम करते हैं हम लोग नक्शा के हिसाब से जनजाति देखते हैं। किसके हिसाब से? नक्शा के। उधर से कौन से स्टार्ट करते हैं? अल्लाह पेट ले चल चलेंगे लोग यहाँ पर। रसिया चल गया, हमें इधर से रसिया चल गया यहाँ पे तुरंत। कनाडा में बोलिए तो, ब्राजील में, यूरोप में, यूरोप में वाटू, मध्य अफ्रीका, मसाई, पिगमी, बुशमैन, बोत्सवाना, देश का नाम उधरिया से देश का नाम कंगारू बोल लिए सब में हिम्मत बहुत होता है, कुछ बोल देती है सर, जो आया बोल दो देश कंगारू। आगे बढ़े, कंगारू कौन देश है? सर फर्स्ट क्लास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में तुम शुरू से करना, फर्स्ट क्लास है तो यहां से क्या कर रहा है? तुमको क्लास में भी लिखेगा फर्स्ट क्लास, वहां से फर्स्ट क्लास करो, यहां से आके बुशमैन पे फर्स्ट क्लास करता है। साइबेरिया में बोलिए, युका धीर, युका धीर, युका गिरी नहीं, युका धीर, साइबेरिया, साइबेरिया याद रहेगा ना? कनाडा, 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 पिगमैन, पिगमैन, पिगमैन याद रहेगा? जनजाति से क्वेश्चन आएगा तो बता ही देंगे आप लोग, ऐसे बताइए तो यहाँ पे हाँ वाटू कौन सा है? वाट मसाई, पिगमी, ये नीचे बोत्सवाना में बुशमैन, इधर कौन सा हो जाएगा? युका, युका धीर। आगे बढ़े, मास्के से पूछ देते हैं, तो लिखा नहीं बन रहा है, धूल क्लास में इतना ना धूल उड़ जाता है ना, लड़का सब एकदम छुट्टी होता है तो दौड़ जाता है, धुआं धुआं कर देता है क्लास। इसको भी मास्क पहना के रखने लगे, दिल्ली उल्ली का टीचर से पढ़ा के जाता है तो बोर्डवा ढक देता है लोग, देख तो इसको। लगभग लगभग साफ हो गया हाथ। चलिए अब आगे की देखते हम लोग, जनजाति याद हो गया ना? इस्केमो, बोरा, युकाधीर, लेप्स, मसाई, पिगमी, बुशमैन, बाटू, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कर पदार्थों का व्यावसायिक उत्पादन, पदार्थों का व्यवसाय, उसके फसलों से संबंधित क्रांति, और इसके बाद हम लोग देखेंगे भौगोलिक कालखंड और कोपेन का जलवायु सिद्धांत। हालांकि ये दोनों चैप्टर जो रहेगा ना, कोपेन का जलवायु सिद्धांत और भौगोलिक सिद्धांत, वो यूपीएससी के नीचे नहीं पूछेगा, वह पूछता है ससुरा अकलेल बकलेल टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पदार्थों का व्यावसायिक उत्पादन, सेरिकल्चर, रेशम, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, मधुमक्खी, एपिकल्चर। अब जब बायोलॉजी में ये पढ़ाते हैं टॉपिक तो सेरिकल्चर के बारे में डिटेल से बताते हैं कि सेरिकल्चर में कि रेशम के कीट प्रोटीन के बने होते हैं, उसके लार से बनता है, प्यूपा अवस्था में लार ग्रंथि आ जाती है, कोकून अवस्था में रेशम का उत्पादन हो जाता है, और जो प्यूपा अवस्था जो होता है उसमें रेशम उत्पादन नहीं होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं बताते हैं। एपिकल्चर में मधुमक्खी की कितनी स्पीड होती है चाल, मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है, उसके शहद में क्या क्या पाए जाते हैं, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ज्योग्राफी में नहीं है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, आपको ये चीज पढ़ाए जाएंगे बायोलॉजी में, ये सब एपिकल्चर सेरिकल्चर इसमें, समझ में आ रहा है? चलिए सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, एपिकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर, विटीकल्चर, एपिकल्चर, हाँ
सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बागानी, हॉर्टिकल्चर, किसी भी चीज को बगान में बोलिएगा तो उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हॉर्टिकल्चर। बारिश आ गया क्या जी? चलिए अगला बताएंगे आप लोग। फ्लोरिकल्चर, फूल, फ्लोरिकल्चर, फूल, फूल बोलिए, पुष्प नहीं, दोनों फसे, फ्लोरिकल्चर फसे, फूल, फ्लोरिकल्चर। वर्मिकल्चर, केचुआ, वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर। पिसिकल्चर, मछली, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर, वर्मिकल्चर, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, विटिकल्चर, अंगूर, हेटिक, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वर्मिकल्चर, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर। याद रहेगा कालाहारी, ब्लैक डायमंड, कोई दिक्कत? चलो बताओ, विटिकल्चर। हाँ चलिए, वेरी गुड। पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वर्मिकल्चर, पिसिकल्चर। याद रहेगा बुशमैन, बोत्सवाना, पिगमैन, कांगो, वाटू, वाटू, मसाई, उत्पाद, फसलों के उत्पादन के लिए आई क्रांति। क्रांति किसी भी चीज में बहुत ज्यादा परिवर्तन अचानक आता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रांति। जैसे अभी चल रहा है डिजिटल क्रांति, क्या चल रहा है, डिजिटल। हर आदमी जब अब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने लगा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और पेमेंट लेने देने में पूरी दुनिया में सबसे आगे कौन आ गया है, भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट 2 रुपए पेटीएम पर प्राप्त हुए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर जगह ऑनलाइन पेमेंट बहुत इजी हो गया, कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं, हर जगह डिजिटल हो गया, हर जगह डिजिटल। अब आपका कोई भी चीज कागज वगज का काम नहीं रह गया, नहीं तो पहले हाई पेपर दिखाई, अब कुछ नहीं। आधार कार्ड भी अब कहीं भी ओरिजिनल नहीं दिखाना है आपको, डिजी लॉकर में रखिए। सरकारी एगो एप्लीकेशन आता है डिजी लॉकर, उसमें अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको ओरिजिनल माना जाएगा। तो डिजी लॉकर डाउनलोड कीजिए, सरकारी है एप्लीकेशन, किसी प्राइवेट का नहीं है, और उसमें आधार कार्ड वगैरह अपना रख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है डिजी लॉकर में, और वहां जब आप आधार कार्ड को रखिएगा ना तो एक बार OTP भेजेगा आपके नंबरवा पे, इसका मतलब जो रखा है उसके पास OTP आया होगा। हर चीज क्या हो चुका है, डिजिटल। तो अभी हम लोग कौन सी क्रांति में चल रहे हैं, डिजिटल का। तो क्रांति के बारे में चलते हैं, आगे बढ़े। पहला करा काली क्रांति, पेट्रोलियम, काली क्रांति, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, किरोसिन तेल जो जहाज में किरोसिन तेल भरा जाता है, गैसोलीन होता है, किरोसिन तेल वहाँ पे, और उसमें मतलब एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाकर डीजल बनाया जाता है, मोबिल बनाया जाता है, बच जाता है तो महिलाओं के लिए सनस्क्रीन बनाया जाता है, ये सब वैसलीन बनाया जाता है, और सब सनस्क्रीन देखिएगा ना उसको लगाना होता है, पकलो लिपस्टिक बोल रहा है वो पेट्रोलियम का थोड़े बना होता है, वो वैसलीन वगैरह कैसा होता है, पेट्रोलियम जेली होता है। तो कई तरह के होते हैं, गाढ़ा काला रंग का पदार्थ होता है पेट्रोलियम, इस कलर का पेट्रोलियम निकलता है, इस टाइप का, जिस कलर का शर्ट है ना ये पेट्रोलियम कलर का, इससे अलग अलग पेट्रोल निकालिए ऑरेंज कलर का हो जाता है। पेट्रोल किस रंग का मिलता है, ऑरेंज टाइप का, नहीं देखे बोतल में रखा रहता है। और तो अलग अलग चीज, अलग अलग पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो अलग अलग ईंधन मिलता है। काली क्रांति, काली क्रांति, पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर, पीसी कल्चर, काली क्रांति, नीली क्रांति, मछली,
नीली क्रांति, भूरी क्रांति, चमड़ा, भूरा क्रांति, चमड़ा भूरे रंग का ना होता है, भूरा क्रांति, चमड़ा, सुनहरा रेशा क्रांति, जूट, सुनहरा क्रांति नहीं, सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, जूट का बोरा होता है, पैरों आदमी पोछता है देहात में, ठंडी में बकरी को ओढ़ाता है आदमी, भैंस को ओढ़ाता है, जूट का बोरा नहीं तो ठंडा मार देता है, समझ में आया कि नहीं, जैकेट होता है उन सौ का, भैंस को ओढ़ा के नीचवा पेटवा के पास बांध दिया जाता है, गैया ठीक रहती है, भैंसिया सोच रही होगी कि उलाट के ऊपर बैठ जाएगी और देखेगी रहती है ऐसे कोई आए तो दोबारा ओढ़ाए। हमारे देसी कुत्ता थे सब, उन सौ को इनर पहना दिए थे। जो छोटा छोटा बच्चा का साइज का इनर खरीदे और उन सौ को खूब अच्छा पहना दिए, जल्दी पहना नहीं, पकड़ के तीन चार तो स्टाफ लोग से कहें पहनाओ छोटा को, पहने कैसे नहीं मार देगा ठंडा दी को, पहन लिया, पहनने के बाद छोड़ा रहा है, निकलिए नहीं रहा है, और जब निकला ना तो उसको देख के सब कुत्ता भाग गया सब। ये कौन जानवर है? अगर वो बोला नहीं रहता तो नहीं पकड़ाया रहता, बाद में बेचारा उसको ठंडा उठा निकाला। तो सबको जानवर सबको जो बोरा वगैरह उठाया जाता है वो किसका बना होता है? जूट का, जो सुनहरे रंग का होता है। तो सुनहरा रेशा क्रांति जूट, सुनहरा रेशा क्रांति, काली क्रांति, काली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, भूरा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरी क्रांति फल, सुनहरी क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, सुनहरी क्रांति फल, सुनहरा रेशा क्रांति, ग्रे क्रांति उर्वरक, ऐसे ही टाइप का यही कलर था ग्रे, एक ग्रे ना बोला जाएगा तो ज़्यादातर उर्वरक इस टाइप का, हाँ वही लगभग सब ग्रे हो जाता है यहाँ पर। चलो ध्यान से, तो ग्रे क्रांति उर्वरक, ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति, हरित क्रांति फसल, हरित क्रांति फसल, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति, गोल क्रांति याद रहेगा, गोल क्रांति। भाई बफरिंग कहाँ कर रहा है कि आप लोग बफरिंग बफरिंग कर रहे हैं, एक दो एक सेकंड के लिए भी रुकता है तो दूसरा लड़का बफरिंग करने लगता है। बताइए गोल क्रांति, गोल, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, ग्रे क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी रेशा क्रांति, भूरा क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, ग्रे क्रांति उर्वरक, सुनहरा क्रांति, सुनहरा क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, टमाटर और मीट, टमाटर और मीट, टमाटर और मीट, लाल क्रांति, टमाटर मीट, टमाटर और मीट, लाल क्रांति, टमाटर, लाल क्रांति, टमाटर और मीट, सफेद क्रांति दूध, सफेद क्रांति, सफेद क्रांति, सफेद क्रांति, लाल क्रांति, रजत क्रांति अंडा, रजत यानी चांदी, रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति, सफेद क्रांति, पीली क्रांति तिलहन, तिलहन उसे कहते हैं जिससे तेल निकाला जा सके, सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, तीसी हो गया, ये सब का तेल निकलता है, तो जिससे तेल निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तिलहन। तो पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति, पीली क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ो, अमृत क्रांति नदी जोड़ो, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ना, अभी तक नदी जुड़ी है? नहीं, अभी तक नदी नहीं जुड़ा, जुड़ रहा है, बाढ़ में अपने से जुड़ जाता है। सब नदी अपने से बाढ़ में जुड़ जाता है। याद हो गया? पूरा सुन ले, घर में कहीं नहीं याद करता है लोग, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत थी हमको, ऐसे दे देते तो नहीं याद करता सब, ऐसे देते तो याद कर लेते लोग।
लड़कियां करी जहां सर, सबको तो औरों याद होता है, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। चले आगे ध्यान से देखते हम लोग, अमृत क्रांति, पीली क्रांति, सफेद क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, मीट टमाटर, लाल क्रांति मीट टमाटर, गोल क्रांति गुलाबी, हरित क्रांति ग्रे क्रांति, सुनहरी क्रांति सुनहरा रेशा क्रांति, भूरी क्रांति नीला क्रांति, काली क्रांति पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, वीटी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, वाटू जनजाति, मध्य अफ्रीका, बुशमैन, पिगमी, मसाई, लैप्स, युकाधीर, बोरा, एस्किमो। अब हम क्रांति बोलते हैं, आप बताइएगा कौन सी क्रांति। नदी जोड़ो, तिलहन, पेट्रोलियम, मछली, चमड़ा, जूट, फलों की क्रांति, उर्वरक, फलों के लिए सुनहरी क्रांति, फसल के लिए प्याज, आलू, टमाटर मीर, अंडा, दूध, तिलहन, नदी जोड़ो, मछली पालन, केचुआ पालन, पुष्प बागानी, अंगूर, मधुमक्खी, रेशम, मध्य अफ्रीका की जनजाति, बोत्सवाना का, कांगो का, केनिया, यूरोप, ब्राजील, साइबेरिया, युकादी, साइबेरिया, कनाडा। हो गया आपका क्रांति, याद रहेगा ना। ये सब खुदरा खुदरा क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें पूछ देता है, इसमें कोई कंसेप्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे चुपचाप याद कर लेना है। कैसे याद करना है? एकदम जैसे आपको आपका नाम याद है, कैसे याद है, एकदम चुपचाप, वैसे आपको ये पूरा टॉपिक क्या करना है, चुपचाप याद करना है। क्या याद रखेंगे? चुप। अब हम लोग को पढ़ना है भौगोलिक कालखंड, जिस तरह से हम आपको ऐतिहासिक कालखंड पढ़ाते हैं, हाँ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उसी तरह इसमें पूरा परजीवी महाकल्प, मध्य जीवीय महाकल्प, नव जीवीय महाकल्प, नूतन जीवी महाकल्प, आद्य जीवी महाकल्प, पेलियोजोइक, प्री पोलियोजोइक, प्रोटो, इस सब टाइप का आपका पेलियोजोइक महाकल्प, इस आदि के बारे में पूछना है। तो हम आपको पहले 2 मिनट समय देते हैं, सब लोग को ये जो पूछे हैं पहले इसको याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट सबको समय देते हैं, इसको रिवाइज कीजिए अच्छा से, फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको महाकल्पों के बारे में, फिर हम पूछेंगे एक एक करके। आ गया हूँ।
लाइव वाले सारे लोग हो गया। चलिए अब हमें ट्रेंडम पूछते हैं, बताएंगे लोग। ग्रे क्रांति, हॉर्टिकल्चर, मसाई, गोल क्रांति, वर्मी कल्चर, युकाधीर, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरा क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, अमृत क्रांति, पीसी क्रांति, पीसी कल्चर होता है। चलो अब ध्यान से हम लोग समझते हैं लोग। भौगोलिक कालखंड, इस ससुरा में 5 गो महाकल्प, 4 गो युग, 18 गो कल्प पढ़ना है, समझ में गया? 5 गो महाकल्प, 4 गो युग, 18 गो कल्प पढ़ना है आपको, समझ में गया? पहले मुंह ठंडा जाएगा आपको सुन के। जिस तरह से हम अपने आप को, अपनी अवस्थाओं को, एक आदमी की अमूमन जिंदगी 60 से 70 साल, अब हम लोग 60 साल से ज्यादा नहीं चल पाएंगे लोग, क्योंकि एक से एक VIP बीमारी आई है सब, एकदम टपका देगा, 40 हिल जाए आदमी बहुत है, एकदम एक से एक वर्जन का बीमारी आ रहा है 5G मॉडल में। हम लोग अपने जीवन को देखेंगे कई अवस्था में बांटते हैं, शिशु अवस्था जब गोदी में कोई हम लोग को खिलाया रहता है, बाल्यावस्था गुल्ली डंडा खेलते हैं लोग, साइकिल का पुराना टायर लेके आदमी हाँकता रहता है, क्रिकेट खेलते रहता है, लड़की सब अपना वो एगो फूटल ईंटा लेके खेलती रहती, देखे गोटी खेलते रहती है सब। तो इस सब का अपना कौन सा होता है? बाल्यावस्था। अभी आप लोग हैं युवा अवस्था, कौन सा अवस्था में? युवा अवस्था। इसके बाद आप जाएंगे प्रौढ़ा अवस्था में, किसमें? प्रौढ़ा अवस्था। और उसके बाद हो जाएंगे वृद्धा अवस्था, एकदम बूढ़ा आदमी को देहात में जलपा कहा जाता है। हम लोग क्या जो एकदम खटिया पे है ना, उसको कहा जाता है जलपा, मने को जलो नहीं पी सकता अपने से, पानी उठा के देना पड़ेगा। तो हम लोग मोटा मोटी अपने आप को कितनी अवस्था में बांटते हैं? 5। अभी आप लोग किस अवस्था में है? युवा, पहले होंगे शिशु अवस्था, बालक हुए होंगे बाल्यावस्था, उसके बाद युवा अवस्था, किशोरा युवा बात बराबर है, युवा अवस्था, उसके बाद हमारी उम्र में आएंगे प्रौढ़ा अवस्था, और हेल जाएंगे तो वृद्धा अवस्था में चले जाएंगे। तो मेनली हम लोगों ने कितने भाग में बांटा? 5। कितने भाग में? 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला सबका भी 5 अवस्था होता है, वो अलग बात है कि युवा अवस्था के बाद वो आगे नहीं बढ़ती है सब। 40 की रहेगी युवा अवस्था, 55 की युवा अवस्था, सबका युवा अवस्था रहता है। तो उसी तरह हम लोग इस गोला को, जिस पृथ्वी पर है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। अपना घर को भी आप बांट सकते हैं, घर नया नया बन रहा होता है, पुराना है, ज्यादा पुराना, एकदम जर्जर हो गया, उस तरह से पृथ्वी है, इसकी भी आयु को हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। लेकिन इस ससुरा बहुत ही पुराने है, इसको बांटने में बहुत ज्यादा इसका लगेगा, समय लगेगा। और इसका इतना पुराना है पृथ्वी, 4.6 अरब साल पुराना है, 4.6 अरब साल पुराना है। सोचिए, इतिहास में पढ़ते हैं 7,000 साल पहले मेहरगढ़ सुलेमान एवं कीर्तर पहाड़ियों के बीच, समझ में गया कि नहीं आ गया? बहुत नीचे होता है गेहूं जौ की, इस 7,000 साल पहले। अब सोचिए ना, 4.5 अरब साल अकां इति जुगी 7,000 साल, तो इति भूगोल में बहुत लंबा लंबा साल गिना जाता है। चल रहा है तब का है, बफरिंग कर रहा है लो तुम लोग। पृथ्वी कितना साल पुरानी है? 4.6 अरब साल, 4.6 अरब साल पुरानी।
इसका पहली बार इसको कालखंड का निर्धारण करने के लिए कास्ट दी बफन ने किया था। किसने किया था? कास्ट दी बफन। किसने किया? कास्ट दी बफन ने किया था। इसको बांटने, इसका पृथ्वी या किसी चट्टान की आयु का निर्धारण करने के लिए हम रेडियो एक्टिव विधि का प्रयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव विधि में हम किसका प्रयोग करेंगे? यूरेनियम का। तो या रेडियो एक्टिव विधि या फिर यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। अब पृथ्वी को कई खंडों में बांटा गया, बड़े बड़े कई हिस्सों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला हिस्सा होता है एरा। क्या होता है? एरा। सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? एरा। एरा को आगे जाके कई एपिक में बांटते हैं और इसको फिर आगे जाके कई पीरियड्स में बांटते हैं। ये तीन भाग होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? महाकल्प। महाकल्प इसे कहेंगे युग, और इसे कहते हैं कल्प। हालांकि कई जगह इसे शक भी कहता है। क्या कहता है? शक। बट हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या कहते हैं? कल्प। सबसे बड़ा महाकल्प और छोटा में कल्प। महाकल्प, कल्प और पीरियड। समझ में गया? ये टोटल इतने भाग में आपको पढ़ना है। अब ससुरा क्वेश्चन उठपटांग पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा डायनासोर किस एरा में थे। तो जिस एरा में हो गए वो किस युग में थे और किस काल में थे, किस काल में थे। जैसे आप लोग बस काल याद रखते हैं, जुरैसिक काल में। कौन सा काल याद रखते हैं? जुरैसिक। और उस ससुरा पूछ देगा कौन एरा में था? मेसोजोइक एरा। वो क्या पूछ देगा? एरा। तो एरा में भी पूछ सकता है, युग में पूछ देगा कौथा युग में थे, दूसरा युग में थे सब। तो कई युग पूछता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उठपटांग, आप पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन बैंक से चाहे लूसेंट से, दिमागे चकरा जाएगा। और समस्या क्या आती है कि एरा का संख्या 5 है। एरा की संख्या कितनी है? 5। युगों की संख्या 14। और कल्प यानी पीरियड की संख्या 18। क्या है? 18। सबसे बड़ा साल कौन सा होता है? एरा। इसे कई सालों को रखते हैं, 1,00,000 साल को इसमें रख देंगे। अब बताइए 1,00,000 साल, 2,00,000 साल को किसमें डाल देंगे हम लोग? एरा। या 2,00,000 साल का मतलब कुछ होता है? मिलियन साल में होता है एक के बाद। जैसे 4 अरब साल है ना, तो मान के चलिए 50 करोड़ साल को किसमें डाल देंगे? एगो एरा में। इस तरह से क्या करेंगे? एरा में डालेंगे। अब खुद सोचिए कितना एरा है? 5। और लगभग कितना साल है? 5 अरब साल। लगभग कितना साल है? तो अमूमन अगर आप देहाती फॉर्मूला भी बैठाते हैं तो एक एरा में कितना साल जाता है? 1 अरब साल। एक एरा में कितना साल जाएगा? एक। अब अंदाजा लगाइए, सोचा कितना बड़ा होगा ये साल। एक एरा में 1 अरब साल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आप बताइए 1 अरब साल में जीव जंतु या पृथ्वी एक ही जैसा होगा कि बहुत सारा चेंजिंग आएगा? तो उस कालखंड में कई कई सारे चेंजिंग आए सर। उन सारे चेंजिंग को किस में रखते हैं? पीरियड्स में। तो इसमें टोटल कितने एरा होंगे सर? 5। पीरियड 5। एपिक 5। महाकल्प 5। महाकल्प 5। युग 5। कल्प 5। याद रहेगा ना? एक एक करके हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या निपटाएंगे? और एरा के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, उसी के अंतर्गत ना आएंगे? नहीं समझे आप लोग? अब एरा के अंतर्गत हम किसको रखेंगे? युग। उसके अंतर्गत यहां तक हमें किस में पढ़ना रहता है? ज्योग्राफी। इसके बाद चालू होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आता है ईयर, हिंदी में कहते हैं वर्ष। आप इसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वर्ष 1940, 1927 साइमन कमीशन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, सब निपट गया तो इतिहास में आके पढ़ने आए हैं। इतिहास इतनी चुकी इतिहास कुछ है ये नहीं इतिहास में, यहाँ से आया है जब तो इतिहास में ये नहीं है। ये सब कहाँ है? ज्योग्राफी में। कहाँ है? ज्योग्राफी में। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? महाकल्प। बताइए भौगोलिक खंड में सर 4 या 14? ये 4 एगो है, 4 है बस। एक इसका एगो नहीं होता, 4 इससे एक कम होता है। 4। आगे बढ़े पहला हम लोग देख, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? महाकल्प। अंग्रेजी में एरा, सबसे पहले एरा। हिंदी में क्या कहेंगे? महाकल्प। महाकल्प को फर्दर किस भाग में बांटते हैं हम लोग? हाँ,
एपिक में, एपिक यानी युग में, किस में बांटते हैं? युग में। युग को फिर किस में बांटते हैं? पीरियड में, हिंदी में कल्प, कल्प में बांटते हैं। बताइए कल्प की संख्या 18, युग की संख्या, महाकल्प की पांच, कितना? पांच। सबसे पहला होता है आद्य महा, आद्य जीवी, आद्य जीवी। दूसरा होता है पूरा, जैसे पूरा पाषाण पढ़े थे वैसे ही पूरा जीवी, पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण आया था तो मध्य जीवी, मध्य जीवी। उसके बाद नव जीवी, नव जीवी। उसके बाद नूतन, नूतन जीवी, नूतन जीवी। नूतन मतलब एकदम नवा। कै गो हो गया? पांच। कै गो हो गया? पांच। सबसे पुराना आद्य जीवी, पूरा जीवी, मध्य जीवी, नौ जीवी, नूतन जीवी। सिंपल तो है जी, नहीं याद हो गया? तो पांच को तो ये निपटा दिए आप लोग। नहीं, नहीं, सबसे पुराना आद्य जीवी, पूरा जीवी, मध्य जीवी, नौ जीवी, नूतन जीवी। तो गया हिंदी में, लेकिन ससुरा दिक्कत ही है कि अंग्रेजी में अंग्रेजी देता था। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। समझ आ गया? अंग्रेजी में देता। देखिए चलिए इसका अंग्रेजी में निपटाते हैं। सीबीएसई वाला भी तो रहता है सर लड़का, यहाँ मजबूरी है आपको इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि वो हिंदी नहीं देगा, क्या देगा? अंग्रेजी। टोटल एरा कैट हो पांच, 4.5 अरब साल को। पीडीएफ दे दिया करो जी उन लोग को, साइक्लोन के बाद का पीडीएफ नहीं है, उसको नोट करके रखो, सबका पीडीएफ दो। आप लोग का खुलता भी नहीं होगा ना कुछ कुछ मोबाइल में, मोबाइल जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कुछ कुछ परमिशन मांगता है, आप परमिशन वहां नहीं दीजिएगा तो खुल में नहीं करेगा, होशियार बनता है। मोबाइल का सेटिंग होता है, वहां जाके आप परमिशन ऑफ कर देंगे तो मोबाइल का आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप में से कितने लोगों का ट्रू कॉलर है? है वो आपसे पहले ही परमिशन ले लेता है, माइक का परमिशन लेगा, कॉन्टेक्ट का परमिशन लेगा, मैसेज का लेगा। आप जाके सेटिंग में बंद कर देंगे मैसेज का तो मैसेज आपका नहीं पढ़ेगा, कॉन्टेक्ट का बंद कर देंगे वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्ट में देखेगा नहीं आपको बताएगा कैसे। तो आप लोग पीडीएफ का परमिशन जाके बंद कर दिए होंगे, अब तो देंगे कहां से हम घरे से अपने। बताइए एरा कितना? क्या पूछ रहे हो? ईसी और बीसी, आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, ये तो बच्चों वाला चीज है, हिस्ट्री का है। ये एरा ओरा में नहीं आता है। ईसी बीसी, ईसा मसीह जब पैदा हुए ना तो उन्हीं को कहते हैं जीसस क्राइस्ट। अब पैदा होने से पहले जो हो गया बिफोर क्राइस्ट, पैदा हुए थे पहला पहला सन को, आई कौथा साल चल रहा है 2021, कब पैदा हुए थे? 2021 साल पहले। तो ईसा मसीह के पैदा होने के बाद जितना हुआ है, एसी लिखिए या एडी लिखिए, एना डोमिनी, नहीं तो बीसी लिखिए, उससे पहले का जो चीज था, ये सब इतिहास में पढ़ाए हुए हैं। अरे वो हिस्ट्री में पढ़ी हो ना, ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए वो ध्यान से देखिए, एरा जो हो गया महाकल्प, कितने महाकल्प? हिंदी में निपटा देंगे, आद्य जीवी, पूरा जीवी, मध्य जीवी, नूतन जीवी। हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग के गुरुजी ऐसे नहीं बताए थे, उसमें से जीवी काट दिए थे। जीवी क्या किए थे? काट दिए थे, कहते आद्य पूरा मध्य नौ नूतन, आद्य मध्य। जब याद हो गया था ना तब क्या जोड़े थे? जीवी। तब क्या जोड़े थे? जीवी। कहे ना तो तेकुली भुला जीवो सनेगा, भोजपुरी बोलते थे, कहते तेकुली पढ़े वाला से थोड़े सा हुआ सन, पूरा पढ़ा दे तो भुला जीवो सन। तो आधा आधा पढ़ाए थे, इसलिए हम भी आपको आधा ही पढ़ा रहे हैं। देखिए ये अभी भी पूरा नाम नहीं है, इसके आगे महाकल्प जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? महाकल्प। एक के बार में आपको भी नाम याद नहीं हो पाता, कैसे पढ़ते हैं? आद्य जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, नव जीवी महाकल्प, नूतन जीवी महाकल्प। नहीं हो गया? तो सब तो आप जोड़िए लेंगे आप लोग, इजी इजी है, ये है ये, आद्य पूरा मध्य नव नूतन, खत्म हो गया यही पे, नहीं समझे? आद्य पूरा मध्य नव नूतन हो गया, और उसको पूरा पूरा आद्य जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, नव जीवी महाकल्प, नूतन जीवी महाकल्प। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका अंग्रेजी देखते हैं, इसे कहते हैं प्री पैलियोजोइक। इसे क्या कहेंगे? प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। तो इसे क्या कहेंगे? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। इसको बोलिए प्री पैलियोजोइक, ऐसे पैलियोजोइक। कौन सा? पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। मध्य मतलब मीसोजोइक, मध्य मतलब मीसोजोइक, मध्य मतलब मीसोजोइक। और नौ मतलब सीनोजोइक। कौन सा? सीनोजोइक। नौ जीवी महाकल्प सीनोजोइक एरा। सब में क्या जोड़ देंगे? एरा, सीनोजोइक। और नूतन को नियो, नियोजोइक। कौन सा? नियोजोइक। अंग्रेजी बोलिए प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। बस दूटो पहले प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। अब तो मध्य में आ जाएंगे, मीसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, नियोजोइक। सबके आगे क्या जोड़ लेंगे? एरा। क्या जोड़ लेंगे? एरा। जैसे इसके आगे क्या जोड़े थे? महाकल्प। अंग्रेजी में क्या जोड़ लेंगे? एरा। अंग्रेजी में एरा, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें अरावली पर्वत इसी में बना था। पूछता है ना कि सबसे पुरानी पर्वत सिंगला, हाँ अरा कहाँ बना था? बहुत पुराना है आपका, या इसमें पूरा जीवी में भी नहीं बना था जी, इसमें प्री पैलियोजोइक में। किसमें बना था? प्री पैलियो। इसी समय क्या बन गया था? अरा तो कहाँ भाग गया वो, ऊपर भाग गया वहां। अरावली पर्वत किसमें बना था? प्री पैलियोजोइक। और उसमें भी पूछ देता है प्री पैलियोजोइक में किस युग में, वो नहीं पूछेगा, कह देगा कोने पीरियड में, आर्कियन क्रम में कि प्री कैम्ब्रियन में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बात बराबर है। आप कुछ भी उठाइए, भूगोल की कोई भी घटना उठाइए, वो किसी न किसी महाकल्प में होगा, किसी न किसी युग में होगा और किसी न किसी पीरियड में होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, एक के चीजवा का तीन गो आंसर हो सकता है। जैसे आपका अरावली पर्वत पूछा तो कल्प के हिसाब से अलग हो सकता है, वही चीज का आंसर युग के हिसाब से अलग। अब युग में हाई वाला आंसर वा नहीं ना दीजिएगा जी, इसमें बड़का बड़का साल होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे एक अरब साल, एक अरब साल में अरावली बन चुका होगा, बन के टूटना भी चालू हो गया होगा, जबकि इसमें छोटा छोटा कालखंड होता है, इसमें क्या होता है? और छोटा। तो बेटा ये टोटल महाकल्पों की संख्या कितनी होती है? महाकल्प तो फरिया दिए आप लोग, हाँ उसके बाद आप इसको फरिया दिए तो इसमें चार गो होता ही है। इसमें कितना होता है? चार। और इस ससुरा 18 गो होता है, आप पूरा रद्द कर देता है 18 को। समझ में आया कि नहीं? तो इसे पकड़ के कहीं बैठा ले ट्रेन की तरह, डर लग रहा है ऐसे बेंच में पकड़ के बैठा ले। स्टार्ट किया जाए भूगोल का सबसे बड़ा कालखंड। तुम लोग को क्या बफरिंग कर रहा है? इन सब का नहीं बफरिंग कर रहा है बाबू, आप लोग यहां नेट स्लो हो गया, मोबाइल में कंटिन्यू रख के रहो, देखो यहाँ नहीं रुक रहा है। सबसे बड़ा महाखंड एरा, एरा के बाद एपोक, एपोक के बाद पीरियड, हिंदी में महाकाल, युग कल्प। कितने महाकल्प? युग और कल्प कितना? 18। याद रहेगा ना? सबसे पुराना हिंदी में बोलिए जाएगा, महाकल्पों की संख्या कितनी? 5। सबसे पुराना आद्य, आद्य जीवी, पुरा जीवी, मध्य जीवी, नव जीवी, नूतन जीवी। पूरा नाम बोलिए तो आद्य जीवी महाकल्प, पुरा जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, नव जीवी महाकल्प, नूतन जीवी महाकल्प। याद रहेगा? अंग्रेजी में प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, नियोजोइक। अब इंग्लिश मीडियम वालों को इजी इसलिए होता है, उन्हें केवल इंग्लिश पढ़ना होता है, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं पढ़ता है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए टफ ये होता है कि हिंदी तो पढ़ना ही है, सोच रहा इंग्लिश को ध्यान से देखना, यही गड़बड़ा जाता है। युग याद हो गया? सॉरी युग कह रहे हैं क्या जी? महाकल्प याद हो गया? तो युग में कोई दिक्कतें नहीं है, इसमें कोई भी जीव नहीं था। आद्य जीवी महाकल्प में कोई जीव था? पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था। जबकि इसमें जब जीव नहीं तो इसमें कोई भी युग नहीं, इसमें कोई युग नहीं रखेंगे, इसमें कोई जीव नहीं था। तो युग की शुरुआत कहां से होती है? पूरा जीवी। कहां से? पूरा जीव। तो इसे कहते हैं प्रथम युग, इसे कहते हैं द्वितीय युग,
इसे कहते हैं तृतीय युग, इसे कहते हैं चतुर्थ युग। युग खत्म, युग कै गो था? चार गो, खत्म युग। और में दिक्कत है, जितना दिक्कत है सब किसमें है? इसमें, इसी में आएगा आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, इसमें आएगा आपका मेसोजोइक, इसमें आएगा आपका जुरेसिक, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियम, आर्कियन, धारवाड़, ये सब चीज किसमें आएंगे सर? इसमें। ये याद हो गया? बताइए युग कितने, कितने युग, कौन सा ऐसा कालखंड महाकल्प जिसका कोई युग नहीं? आद्य जीवी महाकल्प, आद्य जीवी महाकल्प, कोई जीव था? कोई भी जीव नहीं था, इसलिए इसे एजोइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजोइक, कोई जीव नहीं तो एजोइक, क्या कहेंगे? एजोइक, एजोइक महाकल्प कहते हैं। लेकिन जीवों की शुरुआत होना चालू हुई थी किसमें? इसी में। रीजन समझिए ना, 101 अरब साल को लेकर बैठा है। ऐसा नहीं है ना कि 1 अरब साल में कोई घटना ही नहीं होगी ना, 1 अरब साल को। इसमें जीव थे सब? नहीं। जीव था? नहीं। क्या इसमें युग होगा? युगों की शुरुआत कहां से होती है? पूरा जीवी महाकल्प, युगों की शुरुआत, युगों की शुरुआत। आगे बढ़ जाएं। बफरिंग नहीं कर रहा है फिर भी लड़का, बफरिंग क्यों? सर्वर लगा दो। नहीं बफरिंग कर रहा है बाबू, सब तो सही से ही चल रहा है। याद हो गया? एरा कैठो 5, एरा, एरा की संख्या, एपो की संख्या 4, पीरियड की संख्या। बताइए युगों की शुरुआत किस काल से हुई? हाँ, अब कुछ याद करना है। पहला है आद्य जीवी महाकल्पों में एक को युग मत दीजिएगा, अब वहां से नंबरिंग याद कीजिएगा। 1 2 3 4 हो गया, खत्म। 1 2 3 4 नहीं है ना, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय, चतुर्थ युग हो गया। नहीं समझ में आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। पहला को है नहीं, पहला रहता तो और आसानी रहता। 5 गो महाकल्प, 5 गो युग, खत्म। आए में कौ गो है? 18, कितना है? 18। अब 18 सीक्वेंस में नहीं है ससुरा, एक 2 गो मिलल है, 2 पीरियड, एकरो में 2 पीरियड, एक में 6 गो, एगो में 5 गो, एगो में 3 गो, कितना हुआ? 18 हो गया कि नहीं? 18 हो गया। इसमें कै गो महाकल्प है? 2। एगो का नाम है आर्कियन, एगो का नाम है प्री कैम्बियन, एगो का नाम आर्कियन और दूसरा का नाम प्री कैम्बियन। क्या नाम है? प्री कैम्बियन। है में कौ गो है? 6 गो, कितना है? 6। इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2, एक एक करके हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। इधर वाला सब समझ में आ गया ना? देखिए इस चैप्टर में एक ही खराबी क्या होता है, लाइव हो या सारे लोग ध्यान से समझ, इसमें लड़कों को यही समझ में नहीं आता हम हैं कहाँ पे। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पढ़ रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा हम हैं कहाँ, उसको कुछ आइडिया नहीं। तो आपको अब आइडिया लग जाएगा ना इससे कि आप कहाँ कोने दुनिया में घूम रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें आर्कियन क्रम, आप समझिएगा भी जीव जंतु नहीं आए हैं सब। क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा था, किस क्रम के चट्टानों में कोई भी जीव जंतु का अवशेष नहीं मिलेगा? आर्कियन, किसी मिलेगा आर्कियन में? कहां से मिल जाएगा भैया? कोनो युग की शुरुआत नहीं, आदमी का आते पते नहीं है वहां पर। पृथ्वी पर केवल चट्टान ही चट्टान क्या थे, पाए गए थे। जीव जंतुओं की शुरुआत होना चालू हुई थी प्री कैम्ब्रियन से। किसे? प्री कैम्ब्रियन से। एकदम छोटे छोटे एकदम इति 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 क्या हुए थे, जीव बनना चालू किए थे। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे 2 ठो, कौन सा? आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद कैम्ब्रियन देखेंगे। इसमें इसमें टोटल कितना देखेंगे? 6। इसमें इसमें 3। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो इतिहास वाला चीज आता है। समझा गया? एज या आयु, और वहां पे ACBC सब चीजों को देखते हैं इतिहास वाला। कल हम लोग समझते हैं लोग, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए।